फतेहपुर जिले के काजीपुर थाना क्षेत्र के सिमौर गांव में सड़क में पड़े हत्यारे पति का शव देखे, जिसने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के बाद सास और साली सहित बच्चों पर हमला कर दिया, जिसके बाद गांव वालों ने चीख पुकार सुनकर दरवाजा फाड़कर घायलों को बचाना चाहा, लेकिन गांव वालों को ललकारते हुए हमला कर दिया गया। गांव वाले भागकर जान बचाए, वहीं छत में चढ़े ग्रामीणों ने ईंटें पत्थर से मारकर घायल कर दिया और ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल माँ बेटी को हॉस्पिटल भेजते हुए दंपत्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं डबल मर्डर के बाद एसपी सहित पुलिस फोर्स ने पूरे गांव को छावनी बनाकर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं घायल युवती की माने तो बहन छत्तीसगढ़ से एक माह पूर्व मायके आई थी, जिसको लेने के लिए बहनोई बीती रात्रि छत्तीसगढ़ से आए थे और आज सुबह गांव में घूमने के बाद घर आए तो जहां आते ही बहन को मारने पीटने लगे और चाकू से हमला कर दिया। वहीं पास में रखी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या भी कर दी। बहन को बचाने के लिए माँ के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, बच्चों के ऊपर भी हमला किया जो कि भागकर अपनी जान बचाए। वहीं एसपी ने बताया कि मृतक ने अपनी पत्नी की हत्या कर सास और साली के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर गांव वालों के ऊपर हमला करना चाहा, जिसकी वजह से गांव वालों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। हाथ धुला, हाथ धुल के अब बैठ गया। बैठने के बाद उनकी बीवी गई खाना लेके, बस उसको पटक के चारपाई पे लिटा कर मारने लगे। तो हम सोचे ऐसे मार रहा है, हम गए छुड़ाने तो हमको नहीं पता था कि चाकू से मार रहा है। फिर छुड़ाने की वजह से हमने उसको भी मारा। नहीं तो कैसे मारा है? चाकू लिए था, कुल्हाड़ी भी बता रहे हैं। कुल्हाड़ी घर में था, वो बगल में रखा था लकड़ी छीनने वाला, फिर उसको उठा लिया तो जब जो जो बचाने गया उसको मार रहा था। कितने लोगों को घायल हुए इससे? अम्मी है, हम है और जो बहन थी उसको मार डाला। क्या नाम है आपका? शबनम। माटा जी का? अम्मी का छोकरा। निशान परदेशी जो रहने वाला छत्तीसगढ़ का था, अपने ससुराल सिमौर थाना गाजीपुर में आया था। आज पति पत्नी में कुछ बातों के लिए विवाद हुआ, इसमें वो आक्रोश में अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया। इसकी सास और साली बचाने के लिए उनको भी उसने हमला किया। फिर सास और साली ने शोर मचाया तो गांव के लिए इकट्ठा हो गए। वो निशार पुलिसी फिर धारदार हथियार लेकर भीड़ तक बढ़ा, भीड़ ने पत्थर से हमला किया, उसकी छोटी की मृत्यु हो गई। लाश के पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम भेज दिया गया। जो दो मजलूब हैं सास और साली, उनको इलाज के अस्पताल में भेज दिया गया। सर बच्चों की हालत कैसी है? नहीं, बच्चे कोई घायल नहीं है, कांटे में सूचना है, कोई घायल नहीं है, बस के सास और साली घायल हैं, उनको इलाज के लिए भेज दिया गया। मौके पर शांति बैठा। सर पुलिस क्या आरोप है कि घटना की शायद अगर वो पुलिस समय से पहुँच जाती तो वो युवा पुलिस कर नहीं, जो सूचना जैसे मिली है PRB आई है तब तक घटना हो चुकी थी, क्योंकि सूचना मतलब मिलने पर आने में थोड़ा समय लगता है। थाने की पुलिस ने? थाने की पुलिस को सूचना मिली तब आई है, PRB चूँकि पहले रिस्पॉन्ड करते उसको सूचना मिली तब तक घटना हो चुकी थी। फिर थाने को बाद में आई, थोड़ा समय लगना स्वाभाविक था। कैसे हत्या है? मामला ये था कि अचानक शोरगुल बहुत तेज हुआ, शोरगुल हुआ तो हम घर से आए, लोगों ने कहा झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। तब तक वो अपनी पत्नी को काट चुका था, लोग थे, भीड़ अपने छत पे चढ़ी हुई थी, भीड़ ने रोकने की कोशिश किया बहुत, उसको माना नहीं, सबको दौड़ा दौड़ा मार रहा था। अपनी सास, उसकी जो सास थी, तो पत्नी को काट डाला, तो सास ने बचाने की कोशिश किया, सास को भी मार दिया, दो तीन कुल्हाड़ी उसकी लगी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे उसकी पत्नी के, जब उसकी पत्नी ने, पत्नी की छोटी बहन ने उन बच्चों को बचाने की कोशिश किया तो बच्चों को भी कुल्हाड़ी मार दिया। भीड़ बहुत बढ़ती चली गई, हम भी छत पे थे, वो गैस खोल रहा था कि मैं आग लगा दूंगा, पूरे गांव को जला दूंगा। तो हमने समझाया कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तुमको मारेगी नहीं, तुम ये मत करो, आग लगाओगे ये करोगे वो तो तुम मारे जाओगे यहाँ। फिर तो उसने खैर गैस सिलेंडर नहीं खोला, अचानक लेके दौड़ा, कुल्हाड़ा लेके दौड़ा तो पब्लिक भागी। अब फिर आगे क्या हुआ, हमें ऊपर छत पे थे, हम जाके उतार ही नहीं पाए, भीड़ में देख ही नहीं पाए। प्रधान जी, हत्या का मेन कारण क्या रहा है? जो अपनी हत्या का मेन कारण, सब कुछ ठीक था कल तक, कल आपस में बिल्कुल अच्छा हुआ, पति पत्नी में बढ़िया था, पार्टी हुई, दावत हुई, दोनों के बीच में आपस में दावत भी हुई,
आज सुबह इनके पति पत्नी का ही विवाद है और कोई विवाद नहीं, थोड़ी बातों में विवाद हुआ, कोई बड़ा विवाद भी नहीं है, क्योंकि स्कूल चलता है ना बगल में, तो घर के बच्चे अच्छे सभी थे, हमारे घर के बच्चे थे, हमारी भतीजी पढ़ाती है, उन्होंने बताया ऐसा कोई विवाद नहीं था, अचानक विवाद हुआ है, अचानक विवाद में जो हुआ सो हुआ। कितने दिन पहले आई थी ये? ये 2 महीने पहले आई थी। 2 महीने पहले पुलिस क्या भूमिका? पुलिस की भूमिका ठीक है, मदद तो कर ही रही है, लेकिन शायद फोन हमने किया था समय पे और थोड़ा आ जाती है, एसओ साहब यहाँ थे नहीं, विनती थे, तो 100 नंबर आए, 100 नंबर कंट्रोल नहीं कर सकती थी। नहीं तो जिस वक्त इसकी पिटाई हुई उस वक्त क्या उस पुलिस समय थी? जब हम छत पे थे, मौके में शायद थी नहीं पुलिस, पुलिस नहीं, उसके मरने के तुरंत बाद पुलिस आ गई, और हम पूरी तरह देख भी नहीं पाए क्योंकि हम छत पे, लेकिन पुलिस की भूमिका अच्छी है। नाम क्या है आपका? राजेंद्र बेदी बल्लू।